सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2014. तो आपको एक पी एक्स मोनिक पॉलीमर दिया हुआ है. रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है. पी एक्स इज अ मोनिक पॉलीमर. तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस समथिंग ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर एन. कोई एक मोनिक पॉलीमर यानी कि लीडिंग कोफिशियंट वन है, डिग्री एन का है, वन वेरिएबल है और रियल कोफिशियंट है, ठीक है. और के कोई भी एक रैंडम रियल नंबर गिवन है. तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको बेसिक ग्राफ्स पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं, ठीक है. अब जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ, बाकी सिमिलर ऑप्शन है उसको डिस्कस कर देंगे कि इफ एन इज इवन एंड के इज ग्रेटर देन जीरो तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट पी एट एक्स नॉट इक्वल टू के टाइम ई टू द पावर एक्स नॉट. तो बेसिकली क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन कर लो विच इज के ई टू द पावर एक्स, ये एक फंक्शन है और दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है पी एक्स. वो क्या कह रहा है कि एक्स नॉट मिलेगा रियल नंबर सच दैट पी एट एक्स नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को इस एक्स नॉट पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करेंगे, ठीक है. अब ये आपको पी एक्स पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो इम्पोर्टेंट क्या है, वो हमेशा डिपेंड करेगा एक्स टू द पावर एन पे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे. जब भी पॉलिनोमियल का बिहेवियर चेक करना है तो सिर्फ एक्स टू द पावर एन पे डिपेंड करेगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी. इसका जो कोफिशियंट है यहाँ जैसे कोफिशियंट वन है तो सबसे पहले उसने एन इवन दिया हुआ है, ठीक है. तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे पी एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा और n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे पी एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर एक्स फोर एंड सो ऑन ये सारे कंपोनेंट इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं. तो पी एक्स ये होगा और जीरो पे इसकी वैल्यू ए नॉट होगी. तो वो ए नॉट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. वो क्या कह रहा है, n अगर इवन है के अगर पॉजिटिव है तो पी एक्स नॉट और ई टू द पावर के एक्स नॉट. तो अगर मैं ई टू द पावर के एक्स नॉट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो इस टाइप का होगा, ठीक है. और पी एक्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है और यहाँ भी इन्फिनिटी है. तो अगर मैं पी एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का ले लूं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस टू ले लेते हैं तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये टू होगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी. और ये ग्राफ इसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स. सेकेंड ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि इफ एन इज ऑड एंड के इज लेस देन जीरो तो जस्ट आपको गिवन इंफॉर्मेशन से ग्राफ ड्रॉ करना है. तो एन को ऑड दे दिया है और के लेस देन जीरो तो सबसे पहले के ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए. तो e टू द पावर x का ग्राफ ये है, अगर उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा. तो दिस इज ग्राफ k e टू द पावर x. और वो कह रहा है कि n ओड है, ठीक है, n ओड है तो a नॉट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. तीन सिचुएशन आएंगी और नेगेटिव में भी इसके बिलो हो सकता है, इससे पहले हो सकता है. n टेंस टू इन्फिनिटी x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये पॉलीमर इन्फिनिटी पे जाएगा और n ओड है तो x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे ये पॉलीमर माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा. डेफिनेटली इस x एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा. मान लो ऐसा कुछ हो गया तो भी इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो भी इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है. क्योंकि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस ग्राफ को तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा. तो डेफिनेटली जो बी ऑप्शन है इट शुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. अब सी ऑप्शन पे आते हैं. वो कह रहा है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर के बिटवीन 0 टू 1 पी एक्स एंड एक्स, उसने एन के बारे में कुछ नहीं किया, हमने फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया है, वहीं से सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा सेम एग्जांपल से, ठीक है. और डी ऑप्शन में एन ओड है और के कोई भी रियल नंबर है, ठीक है. तो n ओड है, k कोई भी रियल नंबर है. अगर मैं k को पॉजिटिव ले लेता, b ऑप्शन मैंने नेगेटिव के लिए सॉल्व करा है, k को पॉजिटिव ले लेता है तो k e टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाता
और n को ओड ले लेंगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन भी डिफाइन कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब भी ले सकते हैं, तो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो d ऑप्शन ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, तो जस्ट सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। पॉलिनोमियल का जब भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे बिहेवियर देखना है तो वो हाईएस्ट पावर की जो टर्म है उस पे डिपेंड करेगा कि कैसा बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर शुड बी ओनली बी ऑप्शन ट्रू, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स ऑप्शन। आई थिंक क्लियर है ये।